आप ये समझो कि आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा। मैं देखो ना लाइफ कैसे आपके मैथ से कनेक्ट होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होता है? 1 और सबसे कम -1। तो ऐसा ग्राफ जाता है, ऐसा करके जाता है ना, तो ऐसे करके ग्राफ जाता है। तो अब देखो ये हमारा जो है ना एक साइकिल है, एज का साइकिल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जहां पे ओरिजिन रहता है वो क्या है हमारा, 0। हम उसमें पैदा लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं उसमें पैदा लेते हैं। एक साइकिल ले लो, फिर धीरे 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 हमारी एज बढ़ती जाती है। एक्स एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, एज, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। देखो लाइफ का कैसे ग्राफ बनता है, 0 पे आप पैदा लिए, धीरे बढ़े आपकी क्या हुई, एज बढ़ी एनर्जी बढ़ी, धीरे हुए एज बढ़ी एनर्जी बढ़ी, धीरे और बढ़े एज बढ़ी एनर्जी बढ़ी। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। उस समय आप बहुत पावरफुल कुछ भी फोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वो एज डिफाइन करेगा, फिर क्या होगा, एज बढ़ती जाएगी एनर्जी घटती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी एनर्जी घटती जाएगी। जब आप अपने लास्ट समय पे आओगे उस समय आपकी एनर्जी 0 हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। उस समय आपको पता नहीं चला, आप पहचानना बंद कर देते हो लोगों को, हाँ। तो उस समय आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। तो अब वो 1 से लेके 13 to 30 ये जो टाइम पीरियड रहता है, इस टाइम आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। और अब एक और थ्योरी है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में एक थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वो कभी इस सेल में उछल के चले जाएगा, उस सेल में चले जाएगा, उस सेल में चले जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो वही एज हमारा भी है, हमारे पास क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, 13 to 30 के बीच एनर्जी भर के है, और क्या है, स्टेबिलिटी कम है। वो स्टेबिलिटी कहां जाएगी, कभी हम डॉक्टर बनने सोचते हैं, जब हम 10वीं थे तब हम सोचते थे सेना में जाएंगे, 12वीं में आए थे इंजीनियर बनेंगे, ग्रेजुएशन पूरा किए तो सोचे क्या कि क्या नाम है यूट्यूबर बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सोचे डांसर बन जाएंगे, किसी दिन किसी गोपाल जी को देख लेते थे वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे, हम उसको बहने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, बेकार के जगह पे जाने दे रहे हैं। तो वही चीज जो है ना, अब कोई कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और वो क्या बन जाता है, एक्सेप्शन। और वही एक्सेप्शन क्या बनता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन। तो एक्चुअली में पढ़ना उसी को रहता है। युवा तो हम भी है, युवा तो आप भी है, युवा पूरे देश के अंदर है। हमने अपने एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, और उस एनर्जी को स्टोर करके कहां लगाया, अपने सपने के पीछे देखे थे, ना कि मेरे फादर ने देखे थे, मेरे मदर ने देखे थे, हमारे रिलेटिव्स। आजकल शर्मा जी